दोस्तों, ये वीडियो मैंने ख़ासकर बिगिनर लोगों के लिए बनाया है, जिसमें जो नए जो एंग्लर्स हैं, जो ब्रेक वाटर्स में वगैरह फ़िशिंग करते हैं, तो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए बनाया है मैंने। बहुत सारे लोगों को जो न्यू एंग्लर्स हैं, मैंने देखा है बहुत सारे गलतियां करते हैं ब्रेक वाटर में जब फिशिंग करते रहते हैं। तो दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू द बिगिनर्स। तो नए जो एंग्लर्स हैं, तो उनके लिए कुछ मैं शेयर करना चाहता हूं कि वो अपना एंगलिंग स्किल कैसे इम्प्रूव करें। तो इस वीडियो में आप पूरा ब्रेक वाटर में कैसे फ़िशिंग करना है इसके ऊपर आप देखेंगे। मैंने एक छोटा सा एक इलस्ट्रेशन के साथ इस वीडियो में बताया है कि नीचे का स्ट्रक्चर कैसा होता है पानी के और ऊपर का स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो अगर आप इन टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे, डेफिनेटली गाइस, आई एश्योर यू, आपको बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। तो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, और ऐसे ही मैं बहुत सारे वीडियो जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए बनाता रहूँगा, इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आपको जो भी नया वीडियो हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल पाए। तो गाइस, अब हम एकदम करीब हो रहे हैं फिशिंग स्पॉट के इधर। ये देखिए, यहाँ पे आपको पूरा बीच साइड दिखेगा आपको। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा है फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपको पूरा दिखेगा नारियल के पेड़। यहाँ पे अपना गाड़ी पार्क करते हैं हम। वेलकम टू माई चैनल कोस्टल एंगलर। तो फिर एक बार दोस्तों, हम मलपे में आए हैं। तो यहाँ पे हम एक स्पॉट जो पिछले बार मैंने बारामुंडी पकड़ा था, वो स्पॉट पे जाने वाले हैं फिशिंग के लिए। तो कोशिश करते हैं कुछ गेम हो पाएगा आज, और वेदर भी बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। यहाँ पे बारिश कम हो चुका है और थोड़ा बहुत सनलाइट आप देख पाएंगे, और समंदर वैसे तो रफ ही है क्योंकि मॉनसून है। तो देखते हैं इसके आगे। और यहाँ से जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की थी, तो वहाँ से अबाउट 15 मिनट्स अपने को चलना पड़ता है। तो हम लोग अब चलते हुए जा रहे हैं स्पॉट तक। ये रहा फ्रेंड स्पॉट, तो हमें यहाँ तक पहुँचना है। आज जो स्पॉट पे हम फिशिंग करने वाले हैं फ्रेंड्स, एक ब्रेक वाटर है। इसका नेटिव नाम है पडुकेरे। तो ये ब्रेक वाटर में हम फिशिंग करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने इस यहाँ से एक बारामुंडी भी निकाला था। तो
आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो गाइस, आज का वीडियो है जो टिप्स आपको, जिस पे आपको ध्यान रखना है फिशिंग करते समय ब्रेक वाटर्स में, तो उसके ऊपर बात करेंगे फ्रेंड्स। तो ये देखिए, ये पूरा ब्रेक वाटर है और यहाँ पे अक्सर बहुत ज़्यादा मच्छी होती है, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर एरिया है तो मच्छी को अंदर बैठने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, और जो बेट फिश है उनको अटैक करने के लिए भी बहुत ज़्यादा स्पेस मिलता है यहाँ पे। तो इसके वजह से जो मच्छी यहाँ पे रुकी रहती है, तो आपको जब यहाँ पे फिशिंग करना है तो आपको कुछ चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। गाइस, हम इस ब्रेक वाटर को इस डायग्राम से समझते हैं। तो ये देखिए, ये जो नीचे का हिस्सा है, यूजुअली यहाँ पे ज़्यादा फिश यानी रहते हैं, और जब फीडिंग का टाइम हो तो कभी बाहर निकल के आके अपने प्रे को पकड़ते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ब्रेक वाटर से एकदम लॉन्ग कास्ट नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे कुछ होता नहीं है, सिर्फ पानी होता है। और स्ट्रक्चर के बाजू में अगर हम कास्ट करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट मोर रिजल्ट्स। सो इतना आपको ख्याल करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि लोग, बहुत सारे लोग हमेशा लॉन्ग कास्ट करते हैं और इसके वजह से उनको जो टारगेट स्ट्राइक जोन में उनका लूर पहुंच नहीं पाता है, तो इस वजह से उनको स्ट्राइक्स बहुत कम मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमेशा 30-45 डिग्रीज के अंदर आपको कास्ट करना है और रिक्वायर्ड डेप्थ तक आपके ल्यूर को छोड़ना है, और बाकी आप स्लोली उसको रिट्रीव करें। तो आपको ये इस एंगल में आपका ल्यूर जल्दी से स्ट्राइक एरिया में पहुंच जाएगा, जहां पर यूजुअली जो फिश अपने प्रे को पकड़ने के लिए वेट करते रहते हैं। तो समझो, जैसे ही उसके आगे से होके आपके ल्यूर आएंगे तो उसको जल्दी से पकड़ लेंगे फ्रेंड्स। तो इट्स अ वेरी इजीएस्ट थिंग, बट इट टेक्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। The first catch here, a good size snapper. So guys, कुछ और cast try करते हैं corners में। तो आप यहाँ से लेके पूरा आपका ब्रेक वाटर आप ऐसे ट्राई कर सकते हो, तो आपको कहीं ना कहीं तो स्ट्राइक गारंटीड आपको मिलने वाला है। तो डिज़ायर डेप्थ आप देखें कि स्ट्राइक जोन कहाँ पे आपको ज़्यादा स्ट्राइक मिलेगा। एकदम स्लो रिट्रीव करते हैं।
का फिश। Heading inside the rock. Not ready to come out. Oh, oh, oh. The small one. Small size. It's a good catch, guys. Oh, oh, oh. Rest on the rock. So this is another catch, guys. The second catch. तो फ्रेंड्स, हमें थोड़े ही टाइम में तीन फिशेस कैच हुए। तो आप इस वीडियो के बारे में हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ अगर आप नए हैं अपने चैनल पे, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।